आज बहुत ठंड है। ठंड के बारे में मेरे हाथ ही सूख रहा है। ओह हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल कितनी सर्दी पड़ रही है, तो आज सर्दी में ही बोले जाने वाले कुछ सेंटेंसेस डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं उनकी इंग्लिश बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। जैसे कि अभी मैंने बोला आज बहुत ठंड है, इट्स वेरी कोल्ड टुडे। मेरे हाथ सूख पड़ गए, माई हैंड्स have gone numb due to cold, ठंड के कारण मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। यहाँ numb का मतलब है सुन्न होना। अच्छा, जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो अक्सर ये लाइन हम हमेशा बोलते हैं कि आजकल तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इट इज biting cold टूडे। यहाँ biting वर्ड मैंने कड़ाके के लिए यूज किया है, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, एंड कूल ब्रीजेस Also blowing। सुबह सुबह जब आप बाहर देखते हैं सर्दियों में, तो आप क्या देखते हैं? कोहरा। कोहरे को इंग्लिश में बोलते हैं fog। जैसे it is fog outside। अगर कोहरा बहुत ज्यादा है तो हम बोलते हैं बहुत ज्यादा कोहरा है, या फिर घना कोहरा है। इस dense fog outside, dense word या घने के लिए या बहुत ज्यादा के लिए यूज हुआ है, और कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता तो हम बोलते हैं आज बहुत धुंधला धुंधला सा है, इट मींस इट्स फॉगी टुडे। अच्छा, ठंड की वजह से कभी छूटती है, जैसे आई एम शिवरिंग। शिवरिंग मतलब कपकपाना। इतनी सर्दी है मेरे हाथ जम रहे हैं, इट्स सो कोल्ड, माय हैंड्स आर फ्रीजिंग। यहाँ फ्रीज वर्ड आया है जमने के लिए। सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली माय टीथ आर क्लैटरिंग। कपकपी के साथ साथ दांत भी कटकटाते हैं, तो यहाँ कटकटाने के लिए वर्ड यूज हुआ है क्लैटरिंग। सबसे अच्छा काम हमें सर्दी में लगता है अगर धूप निकलती है तो धूप में बैठना और थोड़ी गर्माई लेना, या फिर हम कह सकते हैं धूप में अपने आप को सेकना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स पास इन द सन, चलो धूप सेकते हैं। अच्छा, लेकिन सर्दी में नाइट में तो और ज्यादा सर्दी पड़ती है, और कभी कभी तो दिन भर कितने दिनों तक धूप ही नहीं निकलती, सुबह भी नहीं निकलती, तो हमें बहुत पसंद होता है आग के चारों तरफ बैठ के अपने हाथों को सेकना और गर्माई लेना। फॉर एग्जाम्पल, लाइट अ बॉनफायर, आग जला दो, वी विल सिट अराउंड इट, हम उसके चारों तरफ बैठेंगे, एंड वार्म यूज आवर हैंड ओवर इट, और अपने हाथ सेकेंगे या गर्माई लेंगे। यहाँ पर हाथ सेकने के साथ हम अगर सेकना इंग्लिश में यूज करते हैं उसके लिए वार्म यूज करते हैं। तो इसी तरह के कुछ छोटे छोटे से सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, मैं आगे भी इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए लाइफ में अच्छा मेंटर, तो सब्सक्राइब ज्योति एजुकेशनल सेंटर। Bye.